जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कूलाम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? ऑप्शन नंबर डी दूरी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी दूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई है? ऑप्शन नंबर बी ओम। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लास्ट में पूछ रहा है कार्य की इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाइयों में मापा जाता है? कुल मिला के दोस्तों इसमें पूछ रहा है रेडियोधर्मी का मात्रक, ऑप्शन नंबर डी क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं उद्योग में शक्ति इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी अश्वशक्ति। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर की शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के मापन या माप की यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है? ऑप्शन नंबर डी डेसिबल। अगला क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है? ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसे जूल में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऑप्शन नंबर डी कार्य। अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कुल मिला के इसे पूछ रहा किसका मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, जय हिंद।